अगर आप करना चाहते हैं अनअकैडमी पे अप्लाई एज एन एजुकेटर, आप वहाँ पे एजुकेटर बनना चाहते हैं, सो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा का पूरा KYC आपको वहाँ पे करवाना है, KYC अप्रूव करवाना है, वेरीफाई करवाना है, उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सेल्फी वीडियो कैसे बनानी है, उसमें क्या कुछ मेंशन करना है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। प्लस KYC कितने दिनों में करवानी होती है, हर एक सवाल का जवाब आपको बेसिकली इस वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए। सो दिस इज़ मुस्कान, वेलकम यू ऑल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा करें। इस चैनल पे आपको UGC नेट के रिगार्डिंग, कॉमर्स के रिगार्डिंग कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम इसमें आपको डेमो की वीडियो भी मिल जाएगी, अनअकैडमी पर डेमो कैसे क्लियर करें फर्स्ट टाइम में, उसके लिए क्या कुछ टिप्स रहेंगे, उसके अलावा 5 लेसन्स कैसे बनाने हैं, ओरिएंटेशन जो लेसन्स होते हैं वो कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कुछ टिप्स रहेंगे, वो सब कुछ आपको वीडियोज उसमें मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। एट द सेम टाइम गूगल फॉर्म कैसे भरना है, एवरी चीज आपको मिल जाएगी। सो वो वीडियोज भी आप के देख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जब आप KYC करवाते हैं अनअकैडमी पर, आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपका डेमो क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है ना, वो ये रहता है कि आपको 5 लेसन्स जो ओरिएंटेशंस लेसन होते हैं वो बेसिकली आपको वेरीफाई करवाने होते हैं, वो बेसिकली आपको अप्रूव करवाने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको KYC वेरीफाई करवानी होती है। सो ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, मतलब 5 लेसन्स आपके अप्रूव होने से पहले, ठीक है, आप पहले KYC भी कर सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस है। एट द सेम टाइम आप पहले आप 5 लेसन्स अप्रूव करवा लीजिए, देन आप KYC कीजिए वेरीफाई, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले अपने 5 लेसन्स अप्रूव करवा लीजिए, अगर वो अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद KYC में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। KYC का रिप्लाई भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, एट द सेम टाइम वो करने में भी कुछ खास टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो जब भी आपका डेमो क्लियर हो जाए उसके बाद आप पहले 5 लेसन्स बनाइए, ठीक है, देन आप KYC करिए, ठीक है, वेरीफाई। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है वो होता है 30 डेज़ का। आपको जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली एक बार अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे, ठीक है, आपका वहाँ पे डेमो क्लियर हो गया डेमो क्लियर, उसके बाद आपको 30 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। सो विद इन 30 डेज़ आपको KYC वेरीफाई करवानी ही करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाते हो विद इन 30 डेज़ डेमो क्लियर होने के बाद, सो आपका अकाउंट जो है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है आपका अकाउंट। सो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका डेमो क्लियर हो गया तो जल्दी से जल्दी बस अपने 5 लेसन्स अप्रूव करवा के KYC करवा लीजिए, ठीक है, विद इन 30 डेज़, ठीक है। सो चलिए इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो स्टेप रहता है इसमें होता है वो होता है पैन कार्ड का, ठीक है। आप सबके पास पैन कार्ड होगा, अगर नहीं है तो वो इजीली बन जाता है थोड़े ही दिनों में, ठीक है। सो आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है, सॉरी अगर है तो आप उसकी बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको पिक उसकी करनी है, उसकी आपको फोटो क्लिक करनी है पैन कार्ड की अपने, ठीक है, उसके फ्रंट साइड की फ़ोटो क्लिक करनी है, देन वो आपको वहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप स्कैन कर लीजिए पहले, जो कैम स्कैनर ऐप होता है उससे। इससे क्या होता है, कई बार ना वो ये बोल देते हैं कि अनअकैडमी वाले कि कुछ क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सो इसके पिक क्लियर नहीं है। अगर आपका कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ठीक क्या है, ठीक है। अगर आपका मीडियम क्वालिटी का है सो इन दैट केस मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप स्कैन ही करवाइए, ठीक है, स्कैन कर लीजिए, देन आप अपलोड कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो इसमें रहेगा आधार कार्ड का, ठीक है। अब क्या रहेगा इसमें, जो आधार कार्ड के उसके पास आपके पास दो कॉलम्स आ जाएंगे, दो ऑप्शंस आ जाएंगे। वन साइड पे आपको जो फ्रंट साइड का है आधार कार्ड की उसकी पिक आपको डालनी है, एंड दूसरी जगह पर आपको जो बैक साइड है आधार कार्ड की उसकी पिक क्लिक करके डालनी है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली डालने, दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं बट 3 पिक्स डालनी है आपको। पहली डालनी है आपको पैन कार्ड की फ़ोटो, ठीक है, उसके फ्रंट साइड, जब वो आपने डाल दी उसके बाद जो आधार कार्ड है उसकी आपको फ्रंट साइड की भी प्लस बैक साइड की भी फोटो दोनों ही अपलोड करनी है, ठीक है। वो होने के बाद जब तीनों चीजें होंगी उसके बाद जो थर्ड होता है बेसिकली इसमें वो क्या रहेगा, एड्रेस आपको नीचे मेंशन करना होगा। जब आपने फ़ोटो डाल दी उसके नीचे ना बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको वो एड्रेस मेंशन करना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है। ध्यान रखिए वो मैच करना चाहिए, जो आपने आधार कार्ड पे लिखा है एड्रेस आपके, वही सेम एड्रेस आप नीचे उस ऑप्शन पर यहाँ पर फिलअप कीजिए, ठीक है। अब ये तो था आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने जितने भी अपलोड करने थे उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली एक ही पेज पर सब कुछ होगा, एक ही इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है।
उसी पे आपको पैन कार्ड भी डालना है, आधार कार्ड भी डालना है एंड उसका नीचे एड्रेस भी मेंशन आपका करना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी इसमें, कई बार क्या होता है जब आप ना लॉग इन करेंगे ना अपना जो प्रोफाइल है उस पर अनअकैडमी पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस टाइम क्या होता है कई बार आप अपना पूरा नेम भर देते हैं, मतलब जो आपके एजुकेटर की प्रोफाइल है ना उसमें आपका पूरा नेम लिखा होता है, दैट इज़ आपका नेम प्लस आपका सरनेम, ठीक है। बट ना कई बार आपका जो पैन कार्ड होता है उस पर अकेला आपका नेम लिखा होता है, ठीक है, उस पर आपका सरनेम नहीं लिखा होता, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आपका जो पैन कार्ड है उस पर आपका पूरा नेम हो, आपका सरनेम भी इंक्लूड हो, और जो एजुकेटर की प्रोफाइल है उसमें सरनेम ना हो। सो अगर ऐसा है तो आप उसे जाके चेंज कर लीजिए। जो आपके पैन कार्ड पे आपका नेम लिखा है, अगर आपका पैन कार्ड पे आपका नेम प्लस सरनेम मतलब आपका पूरा नेम लिखा है, सो आप इजीली जो है अनअकैडमी की जो वहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, प्रोफाइल में जाइए, एडिट प्रोफाइल में जाइए, एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ से आप अपना नेम एडिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप ओनली नेम कर दीजिए, जो लास्ट नेम होता है वो वहाँ से आप हटा के सेव कर दीजिए चेंजेस, ठीक है। और अगर आपका पैन कार्ड पे पूरा नेम मेंशन है सो वहाँ पे भी आप ज़रूर ऐड कीजिए अपना लास्ट नेम, इन शॉर्ट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। जो पैन कार्ड पे नेम है और जो आपकी जो एजुकेटर की प्रोफाइल है जो वहाँ पे आपका नेम शो हो रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए ना स्पेलिंग में ना सरनेम में, ठीक है। सो ये था बेसिकली, ये बोल के भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो होता है थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप बेसिकली आता है इसमें, वो आता है सेल्फी वीडियो, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको 1 मिनट की ना खुद की सेल्फी रिकॉर्ड करके, सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। सो ये सब कुछ जब आपने कर लिया, ये तीनों स्टेप्स बेसिकली जब आपने परफॉर्म कर लिए हैं वहाँ पे, पूरे कर लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे वहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही होता है, उसी में 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो। उसमें क्या होता है, एक तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है कि अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको एक और चीज़ पूछी होती है वहाँ पे, वो पूछा होता है कि आप अनअकैडमी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। वो जो आप सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना वहाँ पे आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। सो ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, कैमरा रखिए, लैंडस्केप मोड में रखिए, कैमरे को आप ऐसे मत कीजिए या किसी भी मतलब इस डायरेक्शन में मत कीजिए, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बेसिकली वो होगा उसी डायरेक्शन में आप अपने कैमरे को रखिए, मतलब वो लैंडस्केप मोड में ही रखिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको खुद बस अपने सामने कैमरा रखना है, जहाँ पर थोड़ी रोशनी वगैरह हो वहाँ पर आप रिकॉर्ड कीजिए थोड़ी, ठीक है, ताकि थोड़ी सी लाइटिंग सही आ जाए, ठीक है। एट द सेम टाइम वो क्वाइट प्लेस होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई शोर ना हो, आप अपना रूम बंद कीजिए, लाइट ऑन कीजिए, ठीक है। एंड वहाँ पे आप इजीली जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, सिर्फ 1 ही मिनट की होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आप मेंशन क्या कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, सो इंट्रोडक्शन में आप क्या चीज़ मेंशन कर सकते हैं, लाइक अपना नेम सबसे पहले तो, ठीक है, माय नेम इज़ दिस वन। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चीज़ आप उसमें मेंशन कीजिए, ठीक है, मैंने ये कर रखा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है सो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है देन बस इंट्रोडक्शन देके, ठीक है, लाइक 20 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड्स में आप अपनी इंट्रो दीजिए, एंड 30 सेकेंड्स में आप अपना रीज़न बताइए कि आप क्यों अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि 60 सेकेंड्स का होता है, सो उसमें आपको दोनों चीज़ें कवर करनी होती हैं, ठीक है। सो नॉर्मली अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी शॉर्ट रखी है, ठीक है, 25 सेकेंड की इतनी लगभग रखी है, ठीक है। और जब आप रीज़न बताएंगे सो इसमें आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं इजीली कि आप अनअकैडमी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। इसके 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो है भी आप जो है नया चीज़ें सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नया चीज़ आपको सीखने का शौक है, ठीक है, अपनी लाइफ में। सो आपको ये लगता है कि अगर मैं अनअकैडमी ज्वाइन करूँगा या करूँगी, ठीक है, उससे क्या है मैं कई सारी नई चीज़ें सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि कई ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं बेसिकली, जो ऑफलाइन कोचिंग्स जो होते हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यू टू हाई फ़ी स्ट्रक्चर दे कांट अफोर्ड द ऑफलाइन कोचिंग्स, दैट्स वाई वो जो है वो ऑनलाइन, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर उनको बेस्ट फैकल्टी मिले, जहाँ पर वो टीच कर सकें, ठीक है, बेसिकली मतलब जो टीचर्स होते हैं वो टीच करें, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो हाई कोचिंग्स होती हैं,
है, ठीक है। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटेलिजेंट तो होते हैं बट उन्हें थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो वो सपोर्ट उनको इस प्लेटफॉर्म से बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो मिल सकता है। दैट्स वाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ अनअकैडमी पे, या पढ़ाना चाहती हूँ अनअकैडमी पे। सो ये कुछ एक चीज़ें, मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब ऐसा कि आपको मोटिवेशन मिला है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसा क्या रीज़न है। सो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, द रीज़न बिहाइंड ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म इज दिस दिस दिस, जो भी आप अपना मेंशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है इसको हिंदी में मेंशन करो, आप अपना हिंदी में इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, वो अपना इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। बाकी 60 सेकंड्स की है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलें या फिर हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ी सी मिक्स करके बोलें, ठीक है। लाइक जैसे इंट्रोडक्शन आपने शुरू में इंग्लिश में दे दी, ठीक है, माय नेम इज़ दिस, आई हैव डन दिस दिस दिस, जो भी अपनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो आपने बता दी, देन आप स्विच कर गए हिंदी पे, ठीक है। लाइक मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ अनअकैडमी, उसका रीज़न ये है, ठीक है। सो बेसिकली मिक्स से भी आप यूज कर सकते हो, इससे थोड़ी सी इंटरैक्टिव बनती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली उसका ज्यादा पर्पस नहीं होता है कुछ खास, मेन उसका वही पर्पज़ होता है कि उनको एक ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है कि हाँ भी अगर क्योंकि ना जो आप 5 लेसन्स बनाते हैं ना उसमें फेस दिखाना मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब जो आप अपनी इंट्रो वीडियो बनाते हैं उसमें जो फर्स्ट इंट्रो वीडियो का ऑप्शन होता है वो देनी ज़रूरी नहीं होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम डेमो में भी फेस नहीं दिखता। सो ना बाय दिस वे जो है इंट्रो वीडियो, जो सेल्फी वीडियो है उसके थ्रू बेसिकली वो आपका फेस देख सकते हैं, मतलब आपकी एक ऑथेंटिकेशन हो जाती है, एक पर्सन के ऑथेंटिकेशन के लिए सेल्फी वीडियो होती है। सो उसमें आपको ये आंसर करना होगा, ठीक है। और जो 5 लेसन्स हैं उसमें क्या कुछ करना होता है उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, डेमो की भी देख सकते हैं, उसके बाद जो गूगल फॉर्म का स्टेप होता है उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी उस कमेंट का, ठीक है। सो आप कोई भी क्वेश्चन हो कि कैसे बनानी है, हम क्या कुछ उसमें लिख सकते हैं सेल्फी वीडियो में, लिख सकते हैं मतलब बोल सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपका क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो आप पूछ सकते हैं गूगल फॉर्म से, चाहे वो डेमो से रिलेटेड है, चाहे वो 5 लेसन से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।